ठीक किया से बताएंगे ना वो वैशाली जिला के लिए सांसद है यहाँ के, क्या किए हैं, क्या आपको विकास के काम दिख रहा है से बताइए अभी तक। लेकिन रामविलास पासवान बहुत मानते हैं भाई, मानते थे उन्हें, मानते हैं तो रामविलास के बेटा को मानेंगे ना अमरी, उनको सम्मान देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, और कुछ चाहिए? बाबूजी का समर्थन हुआ तो बेटा का समर्थन हम लोग करेंगे, भाई के साथ तो गदारी करिए। वो तो पशुपति पारस कुमार बोलेगी लक्ष्मण ग्राह पर चलेंगे, वो कहाँ चल रहे हैं, भतिया से गदारी कर रहे हैं। मैं हूँ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। आप जानते हैं कि एनडीए में सीट बंटवारा बिहार में हो चुका है और हाजीपुर जो है वो फिर से चिराग पासवान के खाते में चला गया है। इस वक्त हम हाजीपुर आए हुए हैं और हाजीपुर में जानेंगे जनता की राय कि क्या इस बार हाजीपुर की जनता की राय है। और वो पशुपति पारस भी दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, जो अब आज केंद्रीय मंत्री परिषद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और इस बार जो एनडीए के समीकरण है उसमें पशुपति पारस की जो पार्टी है उसको एनडीए से बाहर कर दिया गया है और चिराग पासवान की पार्टी को शामिल किया गया है एनडीए में। तो हम यहाँ पर आए हैं और लोगों से राय जान रहे हैं कि क्या, आप इधर आइए बताइए क्या लगता है कि अब जो चिराग पासवान को भाजपा ने मौका दिया है, अब हाजीपुर सीट भी उनको मिल गया है, तो चिराग पासवान को ही हम लोग देंगे, पशुपति पारस तो पास वो किसी काम का है ही नहीं, तो उनको वोट देंगे क्या होगा। अच्छा, मेन उत्तराधिकारी जो रामविलास पासवान का है उसको कौन होगा उत्तराधिकारी? उनका लड़का होगा, रामविलास पासवान का लड़का होगा उत्तराधिकारी, उनको वोट मिलेगा। पारस जी तो बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं, रामविलास पासवान भी जब यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो सारा चीज वो देखते थे। पशुपारस जी है, आज तकला कोई काम नहीं किए तो कैसे कहा जाएगा, हाजीपुर में कुछ नहीं किए हैं अभी तकला, कहीं उनका रिकॉर्ड भी नहीं है किसी काम का, तो कैसे क्या लगता है? मतलब पारस जी को तो एनडीए से बाहर कर दिया गया है, अब चिराग पासवान को मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ेंगे, पारस जी भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं हाजीपुर से। नहीं, वही क्या चिराग पासवान जी लड़ेंगे, चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं और जो वर्तमान में एमपी है सांसद है हाजीपुर का वो भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, उन लोग का समर्थन में नहीं है हम लोग। रामविलास पासवान का जो ये क्षेत्र रहा है इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? चिराग पासवान है, चिराग जी, चिराग पासवान है। पशुपति पारस भी तो उन्हीं के भाई हैं। भाई ना है, उत्तराधिकारी तो बेटा ना होता है, भाई थोड़ी होता है। चिराग जी के ऐसे भी यहाँ उनका रिजर्व सीट है, वो किसी बिहार पे वो जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता उनको। पशुपति पारस का संगठन चलाने का अनुभव है और आपके यहाँ काम भी कर रहे हैं और अगर यहाँ आएंगे चिराग पासवान तो जितने बेरोजगार है रोजगार देने का काम जरूर करेंगे। इसमें रोजगार देने का कैसे काम करेंगे उनको, क्या आपको लगता है? प्राइवेट संस्था से जरूर किसी न किसी रोजगार देने के काम ऐसे करेंगे कि उनका बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नारा है, कोई जातिवाद इसमें नहीं है, ठीक है। वो बिहारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहीं भी वो सोचते हैं कि हमारा बिहार के लोग बाहर नहीं जाए, बिहार में रहे, अपने इंडस्ट्री यहाँ पर लगाने का अपना काम करेंगे, और उससे अच्छा अभी मतलब हाजीपुर क्षेत्र में कोई नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ये लोगों का मानना है और लगातार लोग राय दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब चिराग पासवान को, अब चिराग पासवान को अब मौका मिल रहा है, पशुपति पारस को अब मौका? अरे हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम कमाएंगे तो खाएंगे, सीधा बात। वोट नहीं देंगे तो कैसे, भारतीय नागरिक है, आप बताइए रामविलास पासवान को उत्तराधिकारी कौन होगा? अरे चिराग पासवान होगा, और कौन होगा? पशुपति पारस को उन्होंने बेटा के भाई उपटदार रहा है, गजब बात है। लेकिन रामविलास पासवान अपने जिंदगी में उनको यहाँ से चुनाव लड़वा लड़वाया तो क्या किया कि भाई के दे देगा सब हक अपन, आप अपना भाई के दे दीजिएगा क्या, अपना बेटे को दीजिएगा, आपका वंश कैसे बढ़ेगा, आपके बेटा से क्या मेरा बेटा से, तो अपना देखेगा कि आपका देखेगा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार पशुपति पारस की चिराग पासवान? भाई इधर तो हम इधर गए नहीं, हम किशनगंज के तरफ के, किशनगंज क्या, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताओ भाई कि तुम युवा हो, क्या लगता है कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन होगा? नहीं, किशनगंज का है, हम भी किशनगंज का है, किशनगंज के हैं, चलिए कोई बात नहीं है। आप बताइए क्या लगता है कि जो इस बार एनडीए गठबंधन से पारस, पशुपति पारस की पार्टी को बाहर कर दिया गया है और चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया है, हाजीपुर भी है, हाजीपुर रामविलास पासवान का बहुत लंबा करियर रहा और हाजीपुर में रिकॉर्ड कायम करते रहे लोकसभा चुनाव में वोट के अंतर में, तो
उम्मीदवार दो हो गए हैं, एक भाई है एक बेटा है, उत्तराधिकारी किसको मानती है हाजीपुर की जनता? उत्तराधिकार तो उनका बेटा ही होगा ना, रामविलास जी का बेटा ही उत्तराधिकारी है। पारस जी तो इतना लंबे समय से काम कर रहे हैं और रामविलास पासवान उनको यहाँ पर टिकट देकर के अपने साथ लड़वाए थे और सामने करवाए थे, वो जमुई से चिराग लड़ते रहे हैं। नहीं, उत्तराधिकारी की बात की ना, तो उत्तराधिकारी तो पुत्र ही होता है। अगर इस बार चुनाव दोनों भाई और बेटा अगर लड़ता है रामविलास जी का, तो फिर किसके तरफ जनता का मूड? जनता अगर रामविलास पासवान को चाहती थी उन्हीं के साथ जाएगी। वो रामविलास पासवान का एक भाई है एक बेटा है, फिर बेटा बेटा के साथ जाएगा, बेटा के साथ जाएगा। देखिए जो लगातार जो है वो बातचीत लोगों से किया जा रहा है और मतलब स्पष्ट तौर पर लोग कह रहे हैं कि रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी है वो उनके बेटे को दे दिया जाएगा। और यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार एनडीए में चीजें गड़बड़ हो रही है और पशुपति पारस को बाहर कर दिया गया है और रामविलास जी के जो बेटे हैं उनको लाया गया है, तो उत्तराधिकारी के तौर पर अब हाजीपुर किसके हाथ में जाएगा? हाजीपुर तो रामविलास पासवान के बेटे के में जाएगा सर। पशुपति पारस भी चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ तो उनको समस्तीपुर से टिकट दिया गया है ना। पशुपति पारस तो बोलते हैं हाजीपुर से लड़ेंगे हम, तब दोनों में अपने टक्का होगा, देखिए ना दोनों में क्या होगा। फिर मतलब हाजीपुर का मिजाज क्या है, हाजीपुर क्या चाहते हैं? हम लोग सर महादिनाग वासी, हम लोग तो यहाँ के मिजाज के बारे में नहीं जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार हाजीपुर का मिजाज क्या है? हाजीपुर का मिजाज बदलाव हो रहा है, यहाँ से निकल रहे हैं रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान। पशुपति पारस भी तो आपके यहाँ एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो यहाँ क्या काम किए? आपको कितना दिन आपको हाजीपुर विधानसभा में देखने को मिला है, चाहे लोकसभा के क्षेत्र है उनका, कहा कितना दिन आपको देने का देखने को मिले यहाँ, कितना बार देख रहे हैं आमजन के लिए? कोई एक ऐसा काम बताइए जो कि वो आमजन के लिए किए हो। चिराग पासवान घूमते थे? चिराग पासवान तो यहाँ से सांसद ही नहीं है, उनका जमुई क्षेत्र है, जाकर देख लीजिए। आज के डेट में आप रामविलास पासवान पर लेकर आइए, क्योंकि वो यहाँ से नहीं, अभी चिराग पासवान यहाँ से सांसद नहीं है, ठीक है? जब सांसद होंगे तब की बात कीजिएगा। कारण का है कि यहाँ से रामविलास पासवान है, जोनल ऑफिस है रेलवे में, पूरे भारत में 7 को जोनल ऑफिस में 1 जोन है, रेलवे चक्का फिर रामविलास पासवान का देन है, होटल मैनेजमेंट रामविलास पासवान का देन है, तो उसको कैसे वोट नहीं दीजिएगा? किस क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस का है, किस आधार पर? वो पान के नाम पर आए थे जो आदमी, तो रामविलास पासवान ने टिकट दिलाया था, वो लड़े थे तो अब वो अलग है ना, जो अपने भाई का नहीं हुआ किसका हो सकता है, सबसे बड़ी बात है। इच्छा तो लड़ने तो दीजिए, उनको तो पता चलेगा। हाँ, सोच रहे ना 42 जिला से उनका खाता कर चिराग पासवान के ना खुलेगा, कहीं उनके ना जमानत जब्त हो जाए, आने दीजिए। बिल्कुल, देखिए लोगों का जो रुझान है वो स्पष्ट हो रहा है और लोग लगातार अपनी बातों को रख रहे। क्या क्या बोल रहे बताइए, इस बार चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस? चिराग पासवान। चिराग पासवान बहुत चीज युवा है, दूसरा नंबर में इनके तरह ना है बोलने भरा, वो बहुत चीज करने वाले हैं। उम्मीद है चिराग पासवान, उम्मीद पूरा फिक्स है, निकल गए यहाँ से, कंफर्म है, कोई रोकने वाला हाथ नहीं। चिराग पासवान से उम्मीद है जमानत जब्त होगा उनका, दाम जमानत जब्त होगा, यहाँ लड़ेंगे तब लड़े तब ना पता चलेगा। जनता में इतना आक्रोश है, कथी किए हैं बताएंगे ना, वो वैशाली जिला के लिए सांसद है यहाँ के, क्या किए हैं, क्या आपको विकास के काम दिख रहा है से बताइए अभी तक। लेकिन रामविलास पासवान बहुत मानते हैं भाई, मानते थे, मानते हैं तो रामविलास के बेटा को मानेंगे ना अमरी, उनको सम्मान देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, और कुछ चाहिए? क्या लग रहा है कि जो बोल रहे हैं भाई लोग उसमें कितना मतलब लग रहा है कि 100% बात सही है? क्योंकि सरकारी नौकरी जब की वो आदमी डेट करता है तो उसको पत्नी को या बेटे को उसको नौकरी मिलता है, भाई को या भतीजा को नहीं। और सरकारी नौकरी थोड़ी ना है, चुनाव है ये, तो चुनाव में है तो ये उनका लड़का है, तो उनका लड़का स्थायी है, जो उनका लड़का शिक्षित है वो इनके में नहीं है, वो इनके में नहीं है, ये झारखंड भी रह चुके हैं, वो भी रह चुके हैं, पारा जी भी रह चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। मगर अभी हाजीपुर से निकलेंगे तो चिराग पासवान ही निकलेगा। चिराग पासवान ही। क्या लग रहा है तो आप लोग बताइए कि इस बार दोनों चाचा भतीजा दोनों चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से? यहाँ को नहीं रहने वाले। क्या लग रहा है चाचा भतीजा दोनों चुनाव लड़ेंगे इस बार हाजीपुर से? और चिराग पासवान दोनों पासवान जीतेंगे। इतना नाराजगी मतलब है आप लोग? अगर बाबू जी का समर्थन हुआ तो बेटा का समर्थन हम लोग करेंगे,
भाई के साथ तो गद्दारी करिए, वो तो पशुपति पारस कुमार बोलेगी लक्ष्मण कर आप पर चल रहे हो, कहाँ चल रहे हैं, भतिया से गद्दारी कर रहे हैं। तो हम लोग चिराग पासवान सपोर्ट करेंगे, हम लोग उनका वोट देंगे हम लोग। लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, मगर हम लोग अभी सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान को। क्या लग रहा है इस बार चिराग पासवान है या पशुपति पारस है, बताइए? हाजीपुर का जनता क्या सोचती है? चिराग पासवान। क्या कारण है चिराग पासवान? कारण क्या है? कुछ कारण होगा ना, कुछ मन में आता होगा कि हाँ इस वजह से चिराग पासवान। युवा है, युवा होने से सिर्फ आप वोट दे दीजिएगा कि आपको कुछ लगता है कि हाँ हाजीपुर को उनको अगर जीत के जाते हैं तो कुछ हाजीपुर के लिए और बेहतर होगा? बेहतर होगा, जब उनके पिता ही सांसद थे पहले। और ये पशुपति पारस तो रामलाल जी के भाई है, काफी अनुभवी नेता है, पासवान जी से ही जुड़े हुए थे, अभी वो अपने पार्टी अलग बना लिए, पहचान रामलाल पासवान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल देखिए स्पष्ट है और लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं, और कई और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हाजीपुर की जनता क्या सोच रही है इस बार। हाजीपुर में क्या होगा इस बार जो चिराग पासवान भी लड़ेंगे? हाजीपुर से नहीं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का। क्या लगता है कि इस बार क्या सीन बनेगा? सीन तो बढ़िया ही बनेगा, जहां तक हमारा अनुभव है कि बीजेपी की सरकार ही मतलब आएगी। लेकिन रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी का लड़ाई हो रहा है हाजीपुर सीट, उसमें एक तरफ उनके भाई है पशुपति पारस, एक तरफ बेटा है चिराग पासवान, किसके तरफ बनेगा? चिराग पासवान की तरफ से बनेगा। चिराग पासवान क्लियर? एकदम क्लियर है। चिराग पासवान या पशुपति पारस? चिराग पासवान या पशुपति पारस को उस जाति से ऊपर करके आदमी को सोच करके अपने दिमाग से वोट देना चाहिए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो नहीं देखना चाहिए, जो सही में काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। काम कर दो करेगा उसको वोट देना चाहिए, तो वोट होता ही है, लेकिन नाम पर वोट नहीं होना चाहिए। यहाँ अब लड़ाई हो गया दोनों भाई चाचा भतीजा में कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन होगा बिहाजीपुर के लिए, तो पहले देखिए ना कौन आ रहा है यहाँ से लड़ने। उसके आ रहे हैं चाचा भी अब लड़ेंगे बोल रहे हैं, भतीजा चिराग पासवान है रामविलास का बेटा, वो भी अभी नवयुवक में तो यह है उनका लड़का है वही आ सकते हैं, उनका चांस ज्यादा बन नवयुवक है इसलिए। तो चिराग जो पशुपति पारस 5 साल तक यहाँ एमपी रहे केंद्रीय मंत्री रहे, तो क्या लगता है वो जितना आप लोगों को उम्मीद था उतना हुआ कि कुछ कमी रह गया? हम लोग तो यहाँ का प्रॉपर नहीं है, तो हम बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है वो लगातार लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, और जो स्पष्ट तौर पर जो लोग है वो कहना चाहते हैं कि उत्तराधिकारी जो है वो बेटा होता है, भाई जरूर थे हैं, लेकिन उनको भी रामविलास पासवान ने ही जिताया था, और रामविलास पासवान का एक लंबा इतिहास रहा है हाजीपुर से, और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड वो आदमी कायम किए थे बतौर एमपी, जब यहाँ से चुनाव कभी लड़ते थे तो उनका जो जीत का अंतर था वो काफ़ी अलग होता था, और काफ़ी हाजीपुर की जनता उनको लेकर के आश्वस्त रहती थी। इस बार फिर से चिराग पासवान भी यहाँ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पशुपति पारस भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि रामविलास पासवान का परिवार जितना एकजुट था उसमें टूट हुआ, तो इसका किसको मतलब मिलेगा मतलब उत्तराधिकारी रामविलास पासवान का? रामविलास पासवान का अधिकारी तो इनका बेटा ही होंगे चिराग पासवान, पशुपति पारस का यहाँ कोई नहीं बनता है। पशुपति पारस मतलब यहाँ एमपी रहे हैं रामविलास जी से, उनका बहुत बेअसर है, जो पासवान जी का जो यहाँ रहा है कर्मस्थली जो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं है ना, उनका बेटा को श्रेय जाता है। आप मतलब ठीक है पिताजी काम करते थे तो पशुपति पारस जी को तो 5 साल आप लोगों ने देखा, वो भी एमपी रहे सांसद रहे। नहीं कोई धरातल पर कहीं काम नहीं है उनका, जो रामविलास पासवान जी का काम रहा है वो पूरा भारत जान रहा है कि हाजीपुर में क्या काम हुआ है, और वही जो है चिराग पासवान में देखा जा रहा है यहाँ, और इस बार चिराग पासवान यहाँ से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे यहाँ से। बिल्कुल देखिए चिराग पासवान और उसकी का नाम सब चल रहा है, क्या लग रहा है चाचा भतीजा दोनों सामने सामने आ गए? सामने तो चिराग पासवान ही है, उनको ही वोट मिलेगा यहाँ से। क्या है चिराग पासवान को आप लोग वोट दे रहे हैं लेकिन तो पशुपति पारस सांसद है उसको वोट देने की बात नहीं कर रहे? नहीं नहीं उनका उनके पिताजी का बनाया हुआ है ना, इसीलिए हम लोग उन्हीं को चाह रहे हैं। यंगस्टर है भाई, यंगस्टर है कुछ नया करेगा, यूथ जब आएगा तो कुछ बदलाव करेगा, इसलिए बदलाव के लिए बोलते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जब लोग बन जाते हैं तो उसके बाद बोलते हैं
पब्लिक बोलती है कि आते ही नहीं है, मोर देन वन चांस चिराग पास एक बार देना है। या चलिए बहुत अच्छी बात है, एक बार देना है और लगातार लोग जो अपना है वो बातों को रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या उनके मिजाज में है और क्या उनके मन में चल रहा है। और जहां तक उत्तराधिकारी का सवाल है, चिराग पासवान को लोग उत्तराधिकारी मान रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि बाप का जो संपत्ति होता है उसका हक बेटा को मिलता है और भाई को नहीं मिलता है। तो और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कैंडिडेट है उसकी अब घोषणा होनी सिर्फ बाकी है, बाकी इतना तय है कि चिराग पासवान और जो पशुपति पारस है ये दोनों इस बार लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे और इस बार काफ़ी मज़ेदार ये चुनाव होने वाला है, खास करके काफ़ी रोमांचक ये चुनाव होगा हाजीपुर से, क्योंकि हाजीपुर एक ऐसा सीट है जो किसका जिसको पूरे देश में जाना जाता है और वो सिर्फ रामविलास पासवान के कारण हाजीपुर को पूरे देश में जाना जाता है। और इसको लेकर के लगातार जो दोनों परिवार है, यानी कि एक तरफ हाजीपुर में से जो लड़ने वाले हैं चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और वो उत्तराधिकारी खुद को बोलते हैं, वहीं पशुपति पारस बोलते हैं कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, भैया ने मुझे यहां से टिकट दिया था और जाने से पहले यानी कि स्वर्गवास से पहले उन्होंने मुझे यहां पर सांसद बनाया था। तो अब दोनों की लड़ाई है, पब्लिक का जो भी मिजाज बनेगा वो तो सबके सामने आएगा ही, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव काफ़ी रोमांचक होगा हाजीपुर का। सेवी हीराक साथ अभिषेक कुमार पटना।